नमस्कार, इंडिया खबर लाइव में आपका स्वागत है और अब खबरों को देते हैं विस्तार। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की बैठक में इस बार लक्ष्य हिंदू धर्म की रक्षा और भारतीय परिवार व्यवस्था की मजबूती पर चिंतन किया जा रहा है। सरस्वती शिशु मंदिर केदार धाम में आयोजित बैठक में परिवार व्यवस्था पर प्रस्ताव चर्चा के लिए रखा गया। साथ ही सबरीमाला मंदिर और स्वतंत्रता आंदोलन में भागीदारी मामले में भी प्रस्ताव रखा गया है। ग्वालियर में आयोजित संघ की 3 दिवसीय बैठक की शुरुआत सरसंघ चालक मोहन भागवत और सरकारवाह भैयाजी जोशी ने गत रोज की थी, जिसके बाद शनिवार को बैठक के एजेंडे को लेकर सह सरकारवाह दत्तात्रेय हंस बोले ने पत्रकारों को बताया कि भारतीय परिवार व्यवस्था को लेकर जिस तेजी के साथ स्थितियों में बदलाव आया है, उससे भारतीय परिवार व्यवस्था के सामने नई चुनौतियां खड़ी हो गई हैं। संघ का मानना है कि व्यवस्थाओं के लिए सरकार से ज़्यादा समाज का जागरूक होना जरूरी है। इसी क्रम में कुटुंब प्रबोधन के जरिए लोगों को परिवार के बीच अधिक से अधिक समय व्यतीत करने के लिए प्रेरित करने पर काम चल रहा है। मन को कष्ट होता है, उस प्रकार अपने ही परिवार में कई प्रकार के अपराध होते हैं, क्राइम्स होते हैं। बेटे के साथ पिता के गलत व्यवहार होने की कई घटनाएं आजकल मीडिया में पढ़ने को सुनने को मिलते हैं। परिवार के अंदर संस्कार कम होकर नशाखोरी व्यसनाधीनता बढ़ गई। एक दृष्टि से आधुनिकता के नाम पर स्वच्छंदता उपभोगवाद कंज्यूमरिज्म कमोडिटी कल्चर और आधुनिकता के नाम पर पश्चिमीकरण, इसलिए नई पीढ़ी के बच्चों को अपनी मातृभाषा के मुहावरे मालूम नहीं होते। उन्होंने बताया कि सबरीमाला देव स्थान का मामला सदियों पुरानी धार्मिक परंपराओं से जुड़ा है। केरल सरकार सर्वोच्च न्यायालय के दखल की आड़ लेकर हिंदू धर्मावलंबियों पर जाति कर रही है, इस पर भी बैठक में प्रस्ताव पास किया गया है। तो इसलिए परिवार के अंदर और एक महत्वपूर्ण चीज है कि परिवार में गृहिणी के माता के महिलाओं के स्थान, आज उस विषय में या तो अधिकार के समानता के बात होती है या तो कोई उनके सहभागिता नहीं है, तिरस्कार नकारना हो जाता है। तो ये परिवार के लोग अपने कर्तव्य को निभाएं, समाज में बहुत सारे साधु संत संस्थाएं, बहुत सारे लोग परिवार इकाई को मजबूत करने के लिए सुदृढ़ करने के लिए अच्छे कार्य भी कर रहे हैं, उसके सराहना भी हम करते हैं। उन सबके साथ सहयोग से यह कार्य आगे बढ़ने चाहिए। अपनी शिक्षा प्रणाली में बैठक में लोकसभा चुनाव की रणनीति पर चर्चा के सवाल पर वे बोले, बैठक में चुनावी राजनीति पर चर्चा नहीं होती, इस विषय पर चर्चा होगी कि सभी लोग मतदान प्रक्रिया में भाग लें और स्वयं सेवक समाज में इसे लेकर जनजागरण करें। पाठ्यक्रम में अंदर कैसे हो आ सकता है, ये भी विचार करना चाहिए। तो इस दृष्टि से संघ ने इस परिवार व्यवस्था को मजबूत करने का एक प्रस्ताव पारित किया है। इसमें हमने यही कहा है, तो प्रतिनिधि सभा स्वयंसेवकों सहित समस्त समाज विशेषकर युवा पीढ़ी का आह्वान करती है कि अपने इस अनमोल परिवार व्यवस्था को अधिक से अधिक सजीव प्राणवान संस्कारक्षम बनाए रखने के लिए आवश्यक कदम उठाएं। जैसे इसलिए इस समाज परिवार अथवा कुटुंब की एक महती भूमिका है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह आरएसएस की अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा में शामिल होने ग्वालियर पहुंच गए हैं। लोकसभा चुनाव की घोषणा से एन पहले हो रही इस बैठक में जहां संघ के अपने एजेंडा पर चर्चा होने के बाद कई प्रस्ताव पारित किए जाएंगे, वहीं चुनाव की दृष्टि से कार्यकर्ताओं को काम में जुटने का संदेश भी दिया जाएगा। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह शनिवार को ग्वालियर पहुंचे। अमित शाह की अगवानी केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने की। एयरपोर्ट पर भाजपा नेताओं के औपचारिक स्वागत के बाद अमित शाह राष्ट्रीय आरएसएस की बैठक में भाजपा का एजेंडा रखने के लिए केदार धाम स्थित सरस्वती शिशु मंदिर के लिए रवाना हो गए हैं। अमित शाह 2 दिन यहीं रहेंगे। लोकसभा चुनाव से पहले
हो रही संघ की इस सभा को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इसमें देश से जुड़े कई मुद्दों पर चर्चा होगी। इसके साथ ही आतंकवाद को लेकर भारत पाकिस्तान के बीच बनी स्थिति पर भी चर्चा होनी है। इसके साथ ही अयोध्या मसले पर भी चर्चा होने की संभावना जताई जा रही है। भारतीय जनता पार्टी ने शनिवार को प्रदेश के सभी जिलों में कलेक्टर कार्यालयों के बाहर धिक्कार आंदोलन चलाया गया। भाजपा नेताओं का कहना है कि यह कमलनाथ सरकार द्वारा भूमि पूजन शिलान्यास के नाम पर श्रेय लेने जनकल्याण की योजनाओं को बंद करने के षड्यंत्र तथा केंद्र की योजनाओं का प्रदेशवासियों को लाभ लेने से रोकने के खिलाफ किया जा रहा है। ग्वालियर में इस आंदोलन की कमान कदरावर नेता कैलाश विजयवर्गीय ने संभाली। कमलनाथ सरकार के कामकाज के विरोध में शनिवार को ग्वालियर की अलकापुरी चौराहे पर जमा हुए भाजपा नेता यहां से भारी हुजूम के साथ कलेक्ट्रेट का घेराव करने रवाना हुए। आंदोलन का नेतृत्व कर रहे कैलाश विजयवर्गीय ने यहां कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार को उसके वादा खिलाफी के प्रति हम बार बार आगाह कर रहे हैं, लेकिन सरकार मध्य प्रदेश की जनता को परेशान करने से बाज नहीं आ रही है। कई बार सरकार से किसानों की कर्ज माफी जैसे वादों पर अमल करने का आग्रह किया, लेकिन मुख्यमंत्री कमलनाथ और उनकी सरकार के कानों पर जू नहीं रहेंगी। प्रदेश के नागरिकों की उपेक्षा भारतीय जनता पार्टी बर्दाश्त नहीं करेगी। आंदोलन के बाद पत्रकारों से चर्चा करते हुए महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि प्रदेश सरकार ने वादा किया था कि किसानों का कर्ज माफ किया जाएगा, बेरोजगारों को रोजगार भत्ता दिया जाएगा, लेकिन सरकार अभी तक अपने किसी वादे पर खरा नहीं उतरी है। कांग्रेस ने चुनाव में वादा किया था कि हम किसानों का 2 लाख का कर्ज माफ करेंगे। राहुल जी ने कहा था कि अगर मुख्यमंत्री ने 8 दिन में कर्जा माफ नहीं किया तो मुख्यमंत्री हटा देंगे। अभी तक प्रदेश में किसी भी किसान का 2 लाख का कर्जा माफ नहीं हुआ। बेरोजगार नौजवानों को रोजगार भत्ता देंगे, एक भी प्रदेश के बेरोजगार नौजवान को रोजगार भत्ता नहीं दिया। विजयवर्गीय ने आरोप लगाया कि एक ओर तो देश आईटी की दौड़ में आगे बढ़ रहा है और वहीं प्रदेश सरकार बेरोजगारों को गौपालन एवं गौशालाओं के नाम पर लोन देकर उन्हें तकनीकी से दूर करने का प्रयास कर रही है। वो लोन दिया जा रहा है जो शिवराज जी की सरकार ने नौजवानों को बेरोजगारी दूर करने के लिए लोन दिया जाता था। मुद्रा योजना प्रधानमंत्री योजना का उसका लाभ, उसमें ये गाय और ढोर चराने के लिए नौजवानों को प्रेरित कर रहे हैं। एक तरफ सारी दुनिया आईटी युग में जा रही है, एक तरफ आईटी पार्क आ रहे हैं। हमारे समय में हमने इंफोसिस और टीसीएस जैसी बड़ी बड़ी कंपनियों को मध्य प्रदेश में लाए हम, पर ये उन कंपनियों की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं। ये ध्यान दे रहे हैं गौशाला की तरफ, ये ध्यान दे रहे हैं ढोर पालने की तरफ। इसके लिए भी सरकार को मदद करना चाहिए, पर जिनको शिक्षा दी है, जिनको पढ़ाया है, जिनको लिखाया है, जो लोग नौकरी की तलाश में स्वयं का व्यवसाय करना चाहते हैं, उनके बारे में सरकार नहीं चिंता कर रही। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि हमने पाकिस्तान के खिलाफ एयर स्ट्राइक की है। जब भाजपा कांग्रेस विधायकों को खिलाफ स्ट्राइक करेगी तो अखबारों में छपेगा कमलनाथ की सरकार गई और भाजपा की सरकार आई। देखिए इंतजार करिए, कांग्रेस के लोगों में ही इस बात को लेकर गुस्सा है, क्योंकि वो अपने क्षेत्र में चुनाव में वादा करके आए थे कि किसानों का हम कर्ज माफ़ करेंगे। किसान कांग्रेस के विधायकों को गांव में घुसने नहीं दे रहे हैं तो खुद परेशान है, और मुझे लगता है कि वो किसान ही विद्रोह, वो विधायक ही विद्रोह करेंगे।
खान मंत्रालय द्वारा ग्वालियर के विक्टोरिया मार्केट परिसर में बनाए जाने वाले जियो साइंस म्यूजियम का शनिवार को केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा शिलान्यास किया गया। चैम्बर ऑफ कॉमर्स परिसर में आयोजित हुए इस समारोह में मुरैना सांसद अनूप मिश्रा, महापौर विवेक नारायण सेजवलकर और भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण विभाग के अधिकारीगण मौजूद रहे। गौरतलब है कि विक्टोरिया मार्केट में हुई आगजनी के बाद मार्केट को दोबारा संवारा गया है। साथ ही यहां व्यापारियों को फूलबाग चौपाटी पर विस्थापित कर जियो साइंस म्यूजियम का निर्माण किया जा रहा है। था लेकिन माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को ग्वालियर आने ग्वालियर में माइनिंग म्यूजियम का शिलान्यास किया गया है। इसकी लागत 34 करोड़ रुपया है। यह अपनी दृष्टि का एक अभिनव प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट के कारण एक तो ग्वालियर में टूरिस्ट बढ़ेगा और दूसरा जियोलॉजिकल क्षेत्र में काम करने वाले जो विद्यार्थी हैं मध्य प्रदेश के आसपास का अंचल भरतपुर आगरा कानपुर इस पूरे क्षेत्र के जो बच्चे हैं उनको रिसर्च की दृष्टि से जब भूगर्भीय रत्नों पर काम करने की आवश्यकता होगी तो यह म्यूजियम मील का पत्थर साबित होगा। और आज ही के दिन ग्वालियर में CGS सुविधाएं, ये केंद्र सरकार के जो रिटायर्ड कर्मचारी हैं ऐसे लगभग 10,000 परिवार हैं, 50 करोड़ लोग हैं, 50,000 लोग हैं उन परिवारों के, तो 10,000 परिवारों के 50,000 व्यक्तियों जो इसमें कवर होते हैं CGS में, इस इलाज की सुविधा के लिए अभी तक लोगों को जबलपुर जाना पड़ता था, अब उससे मुक्ति मिलेगी। केंद्र सरकार ने CGS डिस्पेंसरी ग्वालियर में मंजूर कर दिए, उसका भी आज शुभारंभ घोषित किया है। और ग्वालियर के रेलवे हॉकी स्टेडियम में एस्ट्रोटर्फ जो एकदम यूजलेस हो गई थी, 5 करोड़ रुपए की लागत से रेलवे और स्पोर्ट डिपार्टमेंट भारत सरकार ये दोनों नई एस्ट्रोटर्फ बिछाएंगे। इन तीनों चीज़ों का लॉन्चिंग हुआ है। तीनों चीज़ें ग्वालियर के लिए बहुत ही उपयोगी है और बड़ी सौगात। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार शनिवार को देश भर के साथ ग्वालियर में भी नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ के साथ ही जिला सत्र न्यायालय में यह लोक अदालत आयोजित की गई, जहाँ प्रकरणों के निराकरण के लिए विशेष बैच गठित की गई। लोक अदालत में सिविल क्रिमिनल एवं रिट पिटीशन के राजीनामा योग्य प्रकरणों को निराकरण के लिए न्यायाधीश के सामने रखा गया। इस वर्ष नेशनल लोक अदालत 4 चरणों में आयोजित की जा रही है। पहले चरण की लोक अदालत आज दिनांक 9/3/2019 को आयोजित की गई है, जिसमें प्रीलिटिगेशन और लिटिगेशन दोनों प्रकरणों पर मामलों की सुनवाई की जा रही है। प्रीलिटिगेशन स्टेज पर NI एक्ट के मामले, मनी रिकवरी केसेस, लेबर डिस्प्यूट केसेस, इलेक्ट्रिसिटी वाटर बिल्स, मेंटेनेंस केसेस और क्रिमिनल कंपाउंडेबल केसेस सुने जाएंगे। पेंडिंग केसेज में क्रिमिनल कंपाउंडेबल केसेज, NI एक्ट के केसेज, चेक बाउंसेज के जिनको बोलते हैं, मनी रिकवरी केसेज, मैट्रिमोनियल केसेज ऐसे जो डाइवोर्स के ना हों, MSET के केसेज, लेबर डिस्प्यूट केसेज, इलेक्ट्रिसिटी और वाटर बिल्स, लैंड एक्विजिशन केसेज, सर्विस रिलेटेड मैटर्स, रेवेन्यू केसेज जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या हाई कोर्ट में पेंडिंग हों, और सिविल केसेज जो रेंट के, इजमेंट्री राइट्स, इंजंक्शन सूट्स, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस आदि, ऐसे सभी मामले सुने जाएंगे। हमने जिला स्थापना पर कुल 33 न्यायपीठ लोक अदालत की पीठ गठित की हैं। एक कुटुंब न्यायालय के लिए पीठ गठित की गई है, 2 पीठ लेबर कोर्ट के लिए गठित की गई हैं, 8 पीठ डबरा के लिए, डबरा तहसील के लिए गठित की गई हैं और 2 भितरवार के लिए गठित की गई हैं। इनमें प्रीलिटिगेशन स्टेज पर टोटल
6930 मामले रखे गए हैं और पेंडिंग केसेज के 4380 मामले रखे गए हैं। नेशनल लोक अदालत में या किसी भी लोक अदालत में हमारे यहाँ प्रति माह महीने के अंतिम शनिवार को स्थायी निरंतर लोक अदालत भी आयोजित की जाती है, उसमें भी इसी प्रकार के मामले सुने जाते हैं। किसी भी लोक अदालत में मामला निपटाने का जो सबसे बड़ा फायदा है वो ये है कि मामला अंतिम रूप से समाप्त हो जाता है, उसकी कोई अपील नहीं होती है। सबसे बड़ी बात यह है कि दोनों पक्षों के आपसी समझौते से वो मामला निपटाया जाता है, तो किसी की जीत या हार नहीं होती, दोनों ही पक्ष उसमें जीतते हैं। इसके अलावा नेशनल लोक अदालत में जो मामले निपटते हैं उनकी फीस वापसी हो जाती है। आजकल सिविल केसेज में बहुत मोटी रकम न्याय शुल्क के रूप में दी जाती है, तो वो अधिकतम 1.5 लाख रुपए हो सकती है, तो वो सारी फीस का हम प्रमाण पत्र देते हैं। हमारी पीठ, हमारे कोर्ट्स उसका बारे में प्रमाण पत्र दे देते हैं जो जो केस निपटते हैं, और वो पैसा प्रमाण पत्र के आधार पर कलेक्ट्रेट से वापस मिलता है। तो ये सब लोक अदालत के फ़ायदे हैं। मैं आप सभी से अपील करूँगा कि आज जिला न्यायालय ओल्ड हाई कोर्ट में लोक अदालत जो आयोजित की जा रही है, इसमें उपस्थित होकर अपने मामलों का अधिक से अधिक निपटारा कराने का प्रयास करें, जिससे आप सभी लाभान्वित होंगे। धन्यवाद। ग्वालियर के टेकनपुर स्थित सीमा सुरक्षा बल अकादमी में शनिवार को BSF उप निरीक्षकों की दीक्षांत परेड का आयोजन किया गया। अकादमी के रानी लक्ष्मीबाई परेड ग्राउंड पर आयोजित हुए इस दीक्षांत परेड में 550 उप निरीक्षकों ने परेड में भाग लिया और उन्हें शपथ दिलाई गई। समारोह में BSF महानिदेशक रजनीकांत मिश्रा मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे और परेड की सलामी ली। बुनियादी प्रशिक्षण के सफल समापन पर आज एक बधाई देता हूं। दीक्षांत परेड का अवसर किसी भी सैनिक के जीवन का सबसे सुखद एवं स्मरणीय पल होता है। यह ऐसा अवसर है जब आप लंबी अवधि का कठिन प्रशिक्षण। गत रोज एक बहादुर महिला के साहस के सामने दो चैन लुटेरे ने घुटने टेक दिए और कमलजीत की इस बहादुरी पर शनिवार को IG राजा बाबू सेंगर द्वारा उनका SP ऑफिस परिसर में सम्मान किया गया। साथ ही IG ने कहा कि पुलिसिंग में जब आम लोग मदद करेंगे तभी समाज अपराध मुक्त हो पाएगा। दरअसल कमलजीत कौर अपने बेटे को लेने के लिए पैदल पैदल स्कूल जा रही थी, तभी साईं बाबा मंदिर रोड पर ग्रीन फील्ड स्कूल के पास पीछे से बाइक पर आए दो बदमाशों ने कमलजीत कौर की चैन पर झपट्टा मारा। महिला ने यहां अपने आप को संभालते हुए एक हाथ से चैन पकड़ी और दूसरे हाथ से लुटेरों को बाइक से गिराकर जनता की मदद से पकड़ लिया, जिस पर मौके पर पहुंची पड़ाव थाना पुलिस ने कमलजीत कौर की रिपोर्ट पर दोनों बदमाशों के खिलाफ चैन लूट का मामला दर्ज कर लिया था, जिस पर शनिवार को IG राजा बाबू सेंगर ने SP ऑफिस परिसर में उनका सम्मान करते हुए महिलाओं से अपील की कि वे किसी भी परिस्थिति में घबराएं नहीं, बल्कि बदमाशों को सबक सिखाने के लिए उनका मुकाबला करें, जिससे ऐसे असामाजिक तत्वों को उनकी जगह पहुंचाया जा सके। कोई भी सोसाइटी क्राइम फ्री तभी हो सकती है जबकि उस सोसाइटी के लोग पुलिसिंग में पार्टिसिपेट करें। पुलिसिंग थ्रू पब्लिक पार्टिसिपेशन, ये बहुत ही खुशी और गर्व की बात है कि श्रीमती कमलजीत कौर ने कल दो चैन स्नेचर्स को पकड़ा और फिर सारी पब्लिक आ गई और उनको जन सहयोग से पकड़ा गया। और जब तक जनता का सहयोग नहीं होगा तब तक क्राइम फ्री सोसाइटी नहीं हो सकती। और हम बड़े गर्व के साथ जो है आज हमने श्रीमती कमलजीत कौर को सम्मानित किया है। और हम बाकी नागरिकों से भी अपील करते हैं, महिलाओं से, बहनों से अपील करते हैं कि जब भी किसी अपराधी को देखें तो डरे नहीं और उसका प्रतिकार करें और पुलिस को कॉल करें, आप जो दूसरे लोग हैं उनको कॉल करें और डट कर अपराधों का मुकाबला करें, तभी ये समाज हमारा अपराध मुक्त होगा। चेन स्नैचिंग की घटनाएं एक समाज में भय पैदा करती हैं। हमारी पुलिस पहले भी कार्रवाई करती रही है, अच्छी कार्रवाई करी है, और ये जो पकड़े गए हैं अपराधी उसमें एक का तो अभी काफ़ी रिकॉर्ड मिला है, पहले भी ये चेन स्नैचिंग घटनाओं में संलग्न रहा है। और हमें ज़रूरत है समाज में श्रीमती कमलजीत कौर जैसी साहसी महिलाओं की। हम सभी नागरिकों से अपील करते हैं, ग्वालियर शहर के, ग्वालियर जोन के नागरिकों से, वो अपराधों का डट कर मुकाबला करें और पुलिस के साथ कंधा से कंधा मिला करके इस सोसाइटी को, क्राइम हमारी सोसाइटी को जो क्राइम फ्री बनाने में सहयोग करें।
अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित चार दिवसीय राज्य स्तरीय बिटिया महोत्सव के दूसरे दिन देश भर से आए कहानी लेखकों ने अपने मन की बात कही और बच्चों व महिलाओं से जुड़ी मुद्दों पर चिंता व्यक्त करते हुए कहानी पाठ किया। इस दौरान लेखक उर्मिला सिरीस, हरीश पाठक, तरुण भटनागर, उमा शंकर चौहान और राम कुमार त्रिपाठी द्वारा कविता पाठ किया गया। इसकी प्रासंगिकता ये है कि ग्वालियर चंबल रीजन में हम सब जानते हैं कि स्त्री पुरुष के बीच का जो भेदभाव है बहुत ज़्यादा है और कन्या भ्रूण हत्या और अन्य कुरीतियों की वजह से यहाँ का जो शिशु लिंगानुपात है वो भी बहुत कम है। हमारा उद्देश्य ये है कि कला और संस्कृति के विभिन्न आयामों माध्यमों से हम आम आदमी में, हमारे जो नागरिक हैं, पूरा समाज है, उसमें इस तरह की जागरूकता पैदा करना चाहते हैं जिसके माध्यम से किसी भी तरह से जो बेटियों का है उनका सम्मान बढ़े और लड़के लड़कियों के बीच का जो भेदभाव है वो समाप्त हो और लड़के लड़कियों के बीच की जो बराबरी है, चाहे वो शिक्षा का मामला हो, चाहे जीवन में आगे बढ़ने का मामला हो, वो स्थापित हो। कला और संस्कृति, साहित्य, ये सभी ऐसे माध्यम हैं जिनके माध्यम से हम ये कह सकते हैं या बता सकते हैं या संदेश दे सकते हैं कि एक स्त्री का समाज में और जीवन में क्या महत्व है। तो ये बस कला के विभिन्न माध्यमों के द्वारा ये स्थापित करने की कोशिश है कि स्त्री पुरुष के बीच की या लड़के लड़के लड़कियों के बीच की बराबरी को किस तरह से स्थापित किया जाए और समाज इसको किस तरह से स्वीकार करे। अपर सत्र न्यायालय ने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के खिलाफ दायर उस अपील को खारिज कर दिया जिसमें कहा गया था कि अमित शाह ने महात्मा गांधी को चतुर्बनिया कहा है। इससे लोगों की भावना भड़क गई है। ऐसे शब्द प्रयोग करने पर अमित शाह के खिलाफ आपराधिक केस दर्ज किया जाएगा। दरअसल न्यायिक मजिस्ट्रेट के यहां से परिवाद खारिज होने के बाद उमेश कुमार बोहरे ने अपर सत्र न्यायालय में अपील दायर की थी। उमेश कुमार बोहरे ने तर्क दिया कि अमित शाह ने 10 जून 2017 को रायपुर की एक सभा में महात्मा गांधी को चतुर बनिया कहकर संबोधित किया था। इससे देश में लोगों की भावनाएं भड़क गई थी। कभी भी माहौल खराब हो सकता है, इसलिए अमित शाह के खिलाफ केस दर्ज किया जाए। इस अपील पर फाइनल बहस के बाद कोर्ट ने फैसला सुनाया है। कोर्ट ने पाया कि परिवादी ने ऐसा कोई गवाह पेश नहीं किया जिससे साबित हो सके कि देश में भावनाएं भड़की हैं। जो साक्ष्य पेश किए गए हैं वो प्रमाणित नहीं हैं। कोर्ट ने अपील को तथ्यहीन मानते हुए उसे खारिज कर दिया। मामला ये था कि 10 जून 2017 को भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने रायपुर के मेडिकल ऑडिटोरियम में कहा था कि महात्मा गांधी चतुर्बनिया था। इसके संबंध में हमने नोटिस भी दिया भारत सभी को। उसके बाद परिवाद पत्र पेश किया। परिवाद पत्र में हमारा निवेदन ये था कि महात्मा गांधी एक अंतर्राष्ट्रीय व्यक्तित्व के व्यक्ति थे और राष्ट्रपिता की उपाधि है। ऐसे व्यक्ति के खिलाफ इस तरह के शब्द यूज करना गंभीर अपराध है और ये भारतीय दंड संहिता की धारा 153 का में अपराध बनता है, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति किसी राष्ट्रीय पर्सनैलिटी के व्यक्ति का अपमान इस तरह करता है तो अपराध माना जाता है। न्यायालय ने मेन तीन बिंदुओं पर निर्णय दिया है कल। नंबर एक, तो उन्होंने ये कहा है कि जब 10 जून 2017 को अमित शाह ने रायपुर के मेडिकल ऑडिटोरियम में वहाँ पे कहा, उस समय परिवादी उपस्थित नहीं था। दूसरा, उन्होंने ये कहा है कि जो अखबार में खबर छपी उन अखबारों के किसी को भी गवाह के रूप में नहीं बुलाया गया। तथा इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो 1950 का एक्ट है उसमें कोर्ट ने ये कहा है कि ये राज्यसभा के मेंबर थे तो इनकी परमिशन नहीं ली गई मुकदमा पेश करने से पहले। तो हमारा कहना है कि परमिशन की कोई ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि एक राष्ट्रीय स्तर का मामला था और सार्वजनिक रूप से अपमानित किया था महात्मा गांधी को अमित शाह ने, और इसमें अखबार की कोई ज़रूरत भी नहीं थी किसी को गवाह के रूप में पेश करने की, क्योंकि ये तो पूरे देश में बात सभी को पता है। और मैंने इसी आधार पर परिवाद पत्र लगाया था, क्योंकि अगर इस तरह के यूज जो शब्द किए गए थे वो एक बहुत ही इससे हिंसा फैल सकती थी, दंगे हो सकते थे। तो अब मैं इसके खिलाफ माननीय उच्च न्यायालय में हाई कोर्ट में केस फाइल करूंगा और निश्चित मैंने जो पॉइंट नीचे उठाए वो सभी पॉइंट हाई कोर्ट द्वारा कंसीडर किए जाएंगे,
क्योंकि ट्रायल कोर्ट का और अपीलेट कोर्ट का ये कहना कि मौके पर नहीं थे, तो ये तो सभी मीडिया में भी खबर आई थी, अखबारों में भी खबर आई थी। ग्वालियर की कोतवाली थाना पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए नकली शराब बनाने की फैक्ट्री पर छापामार कार्रवाई कर यहां से बड़ी संख्या में शराब की बोतलें और रैपर बरामद किए हैं। पुलिस को सूचना मिली थी कि नई सड़क स्थित राम अवतार के घर में नकली शराब बनाकर शहर में सप्लाई की जा रही है, जिस पर पुलिस ने देर रात छापामार कार्रवाई कर आरोपी को नकली शराब के साथ दबोच लिया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आबकारी एक्ट के तहत मामला दर्ज कर उससे पूछताछ शुरू कर दी है। ये थाना कोतवाली में कल थाना प्रभारी कोतवाली ने एक कार्रवाई की है। इसमें शराब करीब 2 पेटी शराब मिली है। उसमें खास बात यह है कि ये देसी शराब को एक हाई लेवल की जो हाई रेंज की शराब है उनके लेवल लगा के ये खुद अपने यहाँ तैयार करता था और उनको बेचता था। तो रामोतार शिवहरी करके है मोचीओली का, उसको पकड़ा है। तो और ये भी बात सामने आई है, कुछ दिन पहले ये एक शराब की दुकान पर काम करता था, 5-6 महीने पहले वहाँ से उसने छोड़ दिया और अपने घर पर ये देसी शराब और हाथ से की हुई तैयार की गई शराब को और इंग्लिश की शराब का लेवल लगा के ये बेचता था। तो इसको पकड़ा है आज और उससे पूछताछ कर रहे हैं कि ये कब से कर रहा था, कहाँ सप्लाई थी, ये तमाम सारे बिंदुओं पर हम विवेचना कर रहे हैं। और आप हमें दीजिए इजाजत, आप देखते रहिए इंडिया खबर लाइव।